हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीटेक बाबा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन से टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, जिसके थ्रू आप बीटेक करके अच्छा पैकेज मिल जाए, अच्छा सैलरी मिल जाए। तो आज हम मैं बताने वाला हूँ टॉप 10 प्राइवेट बीटेक कॉलेज जो आपको बहुत यूजफुल होगा। तो इससे पहले, आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉलेज बताने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि हो सकता है कि ये जो मैं रैंक बता रहा हूँ ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मैंने जो फील किया, हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो। कुछ कॉलेज हो सकता है इसका नाम रह भी जाए ना उसमें इंक्लूड हो, और कुछ की रैंक जैसे किसी का एक नंबर हो सकता है तो मेरा वो दो नंबर हो सकता है, तो वो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो मैं अब वन बाई वन आपको कॉलेज बताता हूँ। तो मैंने जो पहले नंबर पर रखा है वो है बेट्स पिलानी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी। बहुत अच्छा कैंपस है और इसकी रैंकिंग भी अच्छी है, इसका पैकेज भी अच्छा है और इसका जो इसमें सारी ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो सैलरी जो फीस है वो काफ़ी हाई रहती है। दूसरे नंबर पे मैंने जो प्राइवेट कॉलेज रखा है वो है VIT वेलोर। मैं वेलोर VIT कैंपस की बात कर रहा हूँ। इसका भी पैकेज बहुत अच्छा है और इसका जो कैंपस है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगेन इसकी फीस बहुत हाई है। अगर आप और इसमें सारी ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको सारी ब्रांच में बीटेक अप्लाई करना है। और तीसरे नंबर पे मैंने रखा है SRM यूनिवर्सिटी, तो इसमें आप बीटेक कर सकते हो। चौथे नंबर पे मैंने रखा है बीट्स मिश्रा, ये भी अच्छा कॉलेज है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा, जिसमें अच्छा कैंपस है और आप उसमें परस्यू कर सकते हो। और पांचवें नंबर पे मैंने रखा है RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दोनों को मैंने साथ में रखा है पांचवें नंबर पे। BMS जो सबसे ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी अभी रैंक काफी गिर गई है, लेकिन हाँ RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर वो अच्छा है, उसका कैंपस भी अच्छा है, तो इसको मैंने पांचवें नंबर पे रखा है। फिर सिक्स नंबर पे अमिटी यूनिवर्सिटी, जिसका नोएडा का कैंपस है वो अच्छा है, उसका सबसे बेस्ट कैंपस है और उसका प्लेसमेंट भी अच्छा है एंड जो स्टूडेंट के फीडबैक वो भी अच्छे है। और सेवन्थ नंबर पे मैंने रखा है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि कर्नाटका में है वो है, उसमें आप बीटेक कर सकते हो। और उसके बाद एट नंबर पे मैंने रखा है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जो कि भुवनेश्वर में है, जिसको KIIT बोला जाता है, तो वो एट नंबर पे रखा है मैंने। और नाइन्थ नंबर पे कॉलेज है थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटियाला, तो ये इसकी अच्छी रैंक आई थी NIRF में और अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज, पैकेज इसका ठीक ठाक मिल जाता है। फिर मैंने टेंथ नंबर पे जो DAICT कॉलेज है और LMIT जयपुर, जो DAICT कॉलेज गांधीनगर और LMIT जयपुर दोनों को मैंने साथ में रखा है, क्योंकि इन दोनों में ही लिमिटेड ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हो आप बीटेक। हाँ, इनका पैकेज बहुत हाई रहता है क्योंकि इनका जो ब्रांचेज रहती है वो CSE, ECE, IT ब्रांचेज रहती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब, तो इसमें आप सारी ब्रांच के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद कुछ कॉलेजेस हैं जो इस टॉप 10 में कहीं ना कहीं आ रहे होंगे, तो उसमें से मैं बताऊंगा कि जैसे एक निर्मा यूनिवर्सिटी है, PES यूनिवर्सिटी है, फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है और ये और अमृता विश्वा विद्यापीठम कोयम्बतूर, ये कॉलेज है, SN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये इसके अलावा अच्छे प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे आप बीटेक कर सकते हो। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि इतने सारे प्राइवेट कॉलेजेस है बीटेक के जो इनको रैंक वाइज प्लेसमेंट वाइज मैंने बताया आपको। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में।